विश्व में इस समय हिंदू धर्म मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। भारत में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं हिंदू धर्म अब सऊदी अरब में भी अपनी ध्वजा फहरा चुका है। दशहरा से एक दिन पहले यानी आज सऊदी अरब में बने एकमात्र हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। ये मंदिर जेबेल अली इलाके में स्थित है। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर को बनने में 3 साल लगे हैं। इसके प्रार्थना कक्ष में 16 देवी देवताओं की मूर्ति है, जिनमें भगवान शंकर, देवी महालक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गजानन शामिल हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर 80,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इस मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब भी रखी है। इस मंदिर का उद्घाटन मंगलवार शाम को किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस मंदिर की नींव 2020 में रखी गई थी। लंबे समय से सऊदी अरब में रहने वाले लोग ये चाहते थे कि सऊदी अरब में भी एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाए, इसीलिए इस मंदिर का निर्माण हुआ और अब 5 अक्टूबर को ये मंदिर सामान्य रूप से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण सफेद मार्बल से किया गया है। सितंबर 2022 में इस मंदिर की सॉफ्ट एंट्री हुई थी। काफी सारे श्रद्धालुओं ने उस समय मंदिर में जाकर दर्शन किए थे, लेकिन अब औपचारिक रूप से इस मंदिर को सऊदी अरब के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर में खम्भों को सजाया गया है और छत पर घंटियां लटकाई गई हैं। फिलहाल भक्तों को वेबसाइट से QR कोड आधारित बुकिंग सिस्टम के जरिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है। इस मंदिर के मुख्य प्रांगण में विशाल कमल का फूल बना हुआ है। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान हनुमान और हिंदुओं के काफी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं।